अच्छा नादिया, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आपको मॉर्निंग शो में वापस आना चाहिए, आपका कोई इस तरह का इरादा है, सोच है? नहीं सोच लो, ये ना हो कि कल को हमें फिर किसी चैनल पे आप नजर आओ। नॉट ऑन आवर टीवी चैनल्स, नॉट एट ऑल, नहीं टीवी चैनल्स पे तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिकॉज जो यहाँ ट्रेंड्स और चीजें, जब तक ये ट्रेंड्स बदलेंगे नहीं तब तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई मीन एंजॉयिंग एट द मोमेंट में एक ड्रामा वाले फेज में। आपने एक सीरियस शो भी तो करना शुरू किया था ना? हाँ, लेकिन पता भी इस वक्त मैं एक्टर वाले मोड में हूँ, मैं एक्टिंग बहुत एंजॉय कर रही हूँ और होस्टिंग वाले शौक जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल आउटस्टाइल पे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मेकअप बता रही हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें भी सारी चीजें तो उसी तरह से जो ख्वातीन के इंटरेस्ट की हैं, क्योंकि ख्वातीन को मेकअप, ज्वेलरी, फैशन, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स, ड्रेसेस। यूट्यूब में क्या है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप खुल के बात कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। टाइम कम होता है तो क्रिस्प रखना होता है, फोकस करना होता है एक चीज को। तो वो लोग जो मुझे मिस करते हैं यूके में, यूएस में, यूरोप में, कहीं भी दुनिया में कहीं भी, वो मेरा यूट्यूब चैनल पे अब वो मुझे देख सकते हैं व्हेनेवर दे वांट टू। वैसे तो हम दो वीडियोस चलाते हैं वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े खुल के बोलते हैं, आई एम एंजॉयिंग रियली। अच्छा, मैंने कुछ तस्वीरें रखी हैं आपके लिए। अच्छा, और वो उन तस्वीरों पे आपने कमेंट करना है कि आप उनमें से किसको क्या कहना चाहिए। दे आर ऑल मॉर्निंग शो होस्ट रियली, ओ माय गॉड। हां, सो तस्वीरें दिखाना नहीं, ताकि हम देखें कि नादिया जो है वो इनको क्या, पहले तो रेट करना आपने कि हु इज नंबर 1। या शी इज वेरी गुड, आई थिंक नंबर 1 है यार, सभी नंबर 1 है। आपकी रेटिंग से माशाल्लाह शाइस्ता तो मास्टर है इतनी, स्पेशली जो प्रेजेंट ट्रेंड्स हैं बहुत फ्लेक्सिबल है। मैं इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ चीज़ों में कि अगर ये ट्रेंड, मैं मेरे बहुत सारी चीज़ें मैं ये नहीं कर सकती। शी इज वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेती है चीज़ों को और बहुत बहुत अच्छी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हमारी जो है आपके लिए कौन सबसे बेस्ट है? Who is the best for you? I mean, अपनी liking मैं तो साहिर लोधी की फैन क्योंकि जितनी देर उनका शो चलता है मैं हंस हंस के गिरी हुई होती हूँ ना, मैं जो उनका डांस, जब इवन जब वो सीरियस बातें कर रहे हैं मैं तब भी हंस रही होती हूँ। आई जस्ट फाइंड हिम वेरी एंटरटेनिंग। So see, you watch such shows? Oh, it's, I sometimes, regularly सारी नहीं, लेकिन जब, लेकिन लगती है especially जब ज़ाहिर डांस कर रहा होता है ना, गाना गा रहा होता है, वो मुझे बहुत हंसी आती है। हम सब ऐसे shows enjoy करते हैं, so ज़ाहिर is number one। नादिया की रेटिंग में सब morning show host में इनको सबसे ज़्यादा उसमें किया। अच्छा, आप मशवरा देना है, जरा उन तस्वीरों से शुरू करो, नहीं जो अभी नहीं आई है, सबको अगर कोई एक टिप देनी हो, आपने एडवाइस देनी हो तो क्या? किसको? Let's start. सारे इतने प्यारे प्यारे लोग, इनको क्या एडवाइस दूँ, जिस तरह ये हैं वो परफेक्ट है। सनम इतनी प्यारी है, इतनी इज्जत देती है, बहुत ही मीठी है ना, तो ये तो शुगर हो जाए ज़्यादा देर इसके साथ बैठी। शी सच अ स्वीट हार्ट। कोई एडवाइस नहीं। अच्छा, नेक्स्ट अगली तस्वीर कौन सी है? लेकिन इसको एक्टिंग भी करनी चाहिए सनम को, साथ साथ इनको भी एक्टिंग दोबारा करनी चाहिए, कितनी अच्छी एक्टर है और बहुत क्यूट है ये। बल्कि अगर कभी कोई सनम जम को बुरा कहता है मुझे आग लग जाती है, कोई इसके वेट पे बात करे या कुछ करे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि शी इज परफेक्ट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज, एवरीवन इज। हां, हमारा ये कांसेप्ट है ना कि एक खास बंदे को, लेकिन मॉर्निंग शो होस्ट चूंकि बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल या आइडियल या उस तरह के कंपटीशन में होती है, आपको लगता है नहीं, तो उस पे और बड़ी सारी क्वालिटीज हैं। आप, शी इज अ मदर, शी जस्ट गॉट मैरिड, फिर बच्चा, ये वो, टाइम कहां, बहुत सारी चीजों का, तो इसको नहीं देख के किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपकी होस्ट। नेक्स्ट तस्वीर जो है, आई फैसल, he's a good host but I think he's a better actor, he's amazing, phenomenal actor, aur is show ki wajah se drama nahi zyada karta mujhe, fir wo baat nahi achhi lagti, theek hai, balki abhi ka bada drama bhi tha uske liye, Faisal was very busy, mujhe hota hai ki Faisal ko zyada drama karne chahiye, bilkul sahi, so isse next hamari bahut pyari si Jugan, Jugan is also really nice, main kabhi unke show pe koi tip advice in sabko, aapne koi na koi mashwara dena, nahi nahi, I think jis platform pe wo jis tarah show kar rahi hai itne decently bahut achhi और इतने अरसे से, ठीक है, सब पक्के हो गए, इनको मैं क्या एडवाइस दूं। अच्छा, सो इससे नेक्स्ट पिक्चर जो है, ओह गुड़िया, माय वेरी वेरी फेवरेट फराह, आई मस्ट से, बिकॉज इतने अरसे से इतना आपने अपने ना स्टाइल को जो रखा हुआ है, बड़े आप इंटरव्यू बहुत अच्छा लेते हो और बहुत अरसे से सस्टेन करना ना इस चीज को, इस क्वालिटी को, आई थिंक फैंटास्टिक। कोई टिप नहीं, कोई मशवरा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहो, तुम बहुत बातें निकलवा लेती हो गेस्ट से, तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल स्टे द वे यू आर। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आपको आना चाहिए
You should come back on screen again. बस अब एक्टिंग पता है फिर ये काम हो सकता है. मैंने भी आपसे पूछा ड्रामे क्यों नहीं कर रहे हो. आपने कहा मैं ऐसे मॉर्निंग शो कर रही हूँ तो टाइम नहीं. सेम अब एक्टिंग कर रही हूँ उसका टाइम नहीं है. बहुत दिमाग खराब हो जाता है. पागल हो जाते हैं. बहुत बहुत स्ट्रेस है. ठीक है सो ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस. खूबसूरत ज्वेलरी है डमास की और उसके साथ साथ बहुत प्यारी सी नादिया खान आज हमारी मेहमान. सब लोगों के लिए वहाँ पे 35% ऑब्वियसली फ्लैट वो है ऑफ है. डायमंड की ज्वेलरी के ऊपर और गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर 50% ऑफ है मेकिंग पे. बिल्कुल सही. अच्छा जी नादिया, एक्टिंग एक जमाने के बाद कमबैक. जी ये कमबैक जो है किसी ने ज्यादा इंसिस्ट किया, खुद सोचा ड्रामा करना है और अब ड्रामा ही करते चले जाना है. हाँ फॉर सम टाइम मैं इन्जॉय, जब तक इन्जॉय करूँगी क्योंकि मुझे बड़ा रिलैक्सिंग लगा. बहुत ही बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है. तो छोड़ा क्यों था ड्रामा? बस शादी हो गई, दुबई चली गई, पाबंदी थी कि नहीं करना नादिया एक्टिंग नहीं करना. हाँ हाँ हाँ. तो नादिया पाबंदियों को एक्सेप्ट भी करती है? हाँ. अच्छा हमें जो लगता है नादिया किसी चीज़ को ना मानने वाली, अपनी मनवाने वाली. बस यही तो बात है ना, हर औरत अपना घर बनाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करती है. ये है हमारे कल्चर में है, हमारे नेचर में है. तो हाँ लेकिन ये कि अब मसला नहीं है ऐसा. तो आई एम रियली इन्जॉइंग, बट मुझे लगा मॉर्निंग शो में बहुत स्ट्रेस है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट इन्जॉइंग, मज़ा नहीं आ रहा. ड्रामा इज ऑलवेज माई हैज बीन माई फर्स्ट लव. मैं आपको बताऊँ ड्रामे मुझे ज़्यादा पसंद है होस्टिंग से. ठीक है. So, अगर एक्टिंग और मतलब होस्टिंग में किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो इट विल ऑलवेज बी एक्टिंग. यस आई लव एक्टिंग. सो ये कितनी अजीब बात है. होस्टिंग तो बस हो गई और फिर चलती गई, साथ साथ रखा है मैंने दोनों को. लेकिन मैं मुझे लगता है मुझे इंजॉय में ज्यादा एक्टिंग करती हूँ. रिलैक्सिंग है, थोड़ा सा काम हुआ, ब्रेक हो गई और प्रेशर नहीं होता. अपना यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे क्या सोचा और क्यों? वो यही वजह कि जब मॉर्निंग शोज़ का मैंने हाल देखा और मैंने कहा मुझे लोग इतना मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं वही करूँगी जो मुझे पसंद है. प्लस दुबई में रह के यार लेटेस्ट मेकअप, फैशन, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, हर चीज़ के ट्रेंड्स का मुझे पता चलता है. मैं लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ? और जो देखना चाहता है वो देखे, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं ना. अब मुझे इतना लोग कह रहे थे तो मैंने कहा यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे एक्चुअली. यहाँ अभी पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं आया, लेकिन मुझे लगा मुझे व्लॉगर बनना चाहिए. अपना यूट्यूब चैनल खोल के आप जो चाहे कंटेंट डाले तो मैं लेटेस्ट करती हूँ. नादिया खान एक चैनल की मालिक. हाँ, outstyle.com के नाम से उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. अच्छा कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि सब्सक्राइब भी कैसे करेंगे. अभी रूबी भी पूछ रही थी. तो आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए. सिंपल नहीं है सब्सक्राइब करना? नहीं सिंपल है, लेकिन जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वो और बात है. लेकिन अब यूट्यूब का कोई भी चैनल कुकिंग का हो, ब्यूटी का हो, फैशन का, उसको सब्सक्राइब का मतलब है कि आपको नोटिफिकेशंस आए, आप मेंबर बन जाएं, उनको फिर गिफ्ट्स भी मिलते हैं. तो मैं थोड़े थोड़े दिनों बाद कभी मैक की कोई चीज, कभी बॉबी ब्राउन की कोई चीज, कभी सैंडी की कर रही होंगी वहां पे कि ये ज्वेलरी है और ये ज्वेलरी है, हमारा शो करें. तो सब्सक्रिप्शन पे आपको एक तो पता चल जाता है कि एपिसोड्स कब आ रहे हैं, बेल है, बेल का आइकॉन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, प्लस आप गिफ्ट्स और ये चीजें भी आपको मिलती हैं. तो दैट इज एंड देन यू बिकम अ मेंबर, आपसे एक रिश्ता बन जाता है माशाल्लाह. अच्छा नादिया माशाल्लाह से हर खातून वैसे तो बहुत सारी हैंडल कर रही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एट ए टाइम. दिखाना था वैसे हमने वो नादिया का जो है चैनल का थोड़ा सा एक क्लिप और उसमें ये कि हाउ टू सब्सक्राइब. हाँ प्लीज. सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है. करना आपने बस ये है कि अपने फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में youtube.com/outstyle टाइप करें. अब यहाँ आपको नजर आएगा सब्सक्राइब का बटन, उसको क्लिक कीजिए और साथ में ही एक बेल नजर आएगी, इस बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप मिस ना करें. यही सब कुछ YouTube चैनल पे कर रही हो तो चैनल पे करने में क्या मजा आएगा? बाकी चैनल मर्जी नहीं आपकी चलती ना, प्रेशर बहुत है इसका. अच्छा। आप नाम नहीं ले सकते,
ये चीज का नाम नहीं लेना, ये नहीं करना, यहाँ अपनी मर्जी है। जो लेटेस्ट चीजें मैं सीखती हूँ, मुझे नजर आती है, मैं उसके रिव्यूज करती हूँ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि देखो मेकअप का कितना वैरायटी है। हाँ। अब क्या लेनी है, कौन सी बेस है, नई फेंटी आई है, कैसी है, इसका कौन सा शेड लूँ, कितने की है, नॉलेज होनी चाहिए, ले या ना ले, बट एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट मेकअप, क्लोथ्स। नादिया इज वेरी, जिसे कहते हैं, फॉलोअर ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स। यस।